नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत में अपराधियों, वारंटी व वांछितों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी लालगंज महोदय व प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 18/4/2020 को अजीत कुमार दुबे, मैं हमराही योगेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह के चौकी ठेकमा से प्रस्थानित होकर देखभाल क्षेत्र भ्रमण चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन 94/2020 धारा 354, 504, 506 भादवी 7/8 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु अभियुक्त चंदू सरोज के घर पर दबिश दिया गया। दो अभियुक्त घर के पास मौजूद मिले। हम पुलिस वालों को देखकर दोनों व्यक्ति भागना चाहे कि दोनों को हिकमत अमली से कर्मचारियों की मदद से पकड़ लिया गया। दोनों व्यक्तियों से उनका नाम पूछा गया तो अपना नाम क्रमशः चंदू सरोज पुत्र सुभाष सरोज, प्रमोद सरोज पुत्र ललन सरोज, सकिनान ग्राम सिसरेडी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया। दोनों व्यक्तियों को मुकदमा अपरोक्त कर बोध करा कर गिरफ्तार कर दोनों व्यक्तियों को जेल भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार।